मटका के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस ने संभावित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अतहर परवेज है। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। रेड किया तो वहां पे दो व्यक्ति मिले जो जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस से और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे और 2001-2003-2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों आरोपी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में PFI के मेंबर को ट्रेन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के NGO को चला रहा था। पुलिस ने बताया है कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। पिछले दो सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स है उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे और 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार चाकू चलाने दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है।